हाल ही में एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, वो थी पबजी को लेके। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक खबर चली थी कि एक बेटे ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया सिर्फ पबजी खेलने से रोकने से। लेकिन दोस्तों, ये जो बात है, अब इसके ऊपर का एक असली रहस्य का पर्दा उठ चुका है। और ये जो मर्डर था, इसकी वजह पबजी नहीं थी, इसके पीछे दोस्तों वजह था एक सेक्स अफेयर का। जी हाँ दोस्तों, बता दें जो बेटा था वो अपनी माँ की नाजायज संबंधों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, और उसकी माँ एक बहुत बड़े बिल्डर के साथ अफेयर कर रही थी। उसके पिता पोस्टिंग पे थे। जी हाँ दोस्तों, उसके पिता की जो पोस्टिंग थी वो बहुत दूर आर्मी में हुई थी, और उसके पिता का नाम नवीन था। जो बिल्डर था वो इनकी माँ के साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आता था, और ये लोग फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाते हैं, जिसकी वजह से यह जो बच्चा था ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। हालांकि ये बात इसने अपने पापा को ही बताई। शुरू में तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तहकीकात करने पर ये सारा मामला खुल गया। इनका जो ये पोल खुला है, ये इनकी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह खुला है। अब जब पिता को ये बात मालूम चलती है, तो पिता ने बेटे से कहा, पता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इन दोनों को वहीं को ही गोली मार देता। और इसके बाद पिता कहते हैं, पर तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द आऊँगा और सब कुछ सही कर दूंगा। ये दोस्तों जो कार्यक्रम ये 1 साल पहले से चल रहा था, अब जब ये बात माँ को मालूम चलती है तो वो अपने बेटे को बहुत पीटती, उसे नौकर रखता रखती और उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती, ऐसा उस लड़के ने कहा। और वहीं जो बिल्डर था उसका और भी ज़्यादा कॉन्टैक्ट बढ़ गया, और फिजिकल रिलेशनशिप वो लोग का अफेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये सारी बातें जब उसके पिता को मालूम चलती है तो उसका पिता और भी ज़्यादा बौखला जाता है, और वो अपने बेटे से कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। इसके बाद उसका पिता उसे बंदूक चलाना सिखाता है, क्योंकि उसके माँ ने उसे कई बार जान से मारने की धमकी दी थी, तो इसलिए पिता उसकी सुरक्षा के लिए उसे बंदूक चलाना सिखा देता है। हालांकि ऐसा कोई प्लान नहीं था कि वो उसे गोली मारेगा, लेकिन एक रात दोस्तों क्या होता है, वो और बिल्डर ये दोनों एक घर में आए होते हैं और फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। यह बात उनके बेटे को मालूम चल जाती है और वो जाता है पिता को बताने। इस बात को लेकर उसकी माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दिन रहता है वो 3 जून का, और उसे बहुत मार मारती है, बुरी तरीके से दोनों मार मारते हैं। इसके बाद जो बेटा था उसकी गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो अपने पिता को बताता है। पिता कहते हैं, बेटा मेरा आज का टिकट नहीं हो पाया, पर मैं कल ज़रूर आऊँगा और कल मैं सब कुछ सही कर दूंगा। लेकिन जो बेटा था वो अपना कंट्रोल खो चुका था, और वो उसी दिन अपनी माँ का गोली मारकर मर्डर कर देता है। और पुलिस ने दोस्तों, आप कहोगे पबजी वाला है पोर्टफोलियो कहानियों क्यों खोला, दरअसल दोस्तों पुलिस बिल्डर को बचाना चाहती थी। वो शहर का बहुत नामी गिरामी बिल्डर था, और पुलिस नहीं चाहती थी कि बिल्डर पकड़ा जाए। लेकिन जब ये पूरा मामला हाई कोर्ट तक गया, बड़ी एजेंसीज तक गया, तो बच्चे ने बाल सुधार गृह में अपनी पूरी कहानी बताई, और इस कहानी की पुष्टि उसके माता और बिल्डर के मोबाइल रिकॉर्डिंग के जरिए की गई। ये थी दोस्तों द न्यूज़ नेक्स्ट की खबर। ऐसी और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल द न्यूज़ नेक्स्ट। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।